जी अस्सलाम वालेकुम, आई एम जीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज से हमारा लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट हो चुका है। आज की वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू हैंडल ईबे रिटर्न्स, और इसके अंदर हम देखेंगे एज अ सेलर हम किस तरह से ईबे की जो रिटर्न है उसको हम मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ ऑर्डर ऐसे होते हैं जो कि आउट ऑफ स्टॉक होते हैं और हमने उनको कैंसिल करना होता है। अगर हम डायरेक्टली कैंसिल करेंगे तो ट्रांजैक्शंस डिफेक्ट रेट ऐड हो जाएगा, हमने उसको किस तरह से कैंसिल करना है और ट्रांजैक्शन से किस तरह से बचना है। और उसके बाद कुछ ऐसी रिटर्न होती हैं जिनका जिनके ओपन होते ही ईबे जो है ऑटोमेटिकली एक जो प्रीपेड लेबल होता है वो कस्टमर को सेंड कर देता है, और उस लेबल की जो कॉस्ट होती है वो हमें पे करना पड़ जाती है। तो उसको हमने किस तरह से मैनेज करना है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता मैं रहे। यहाँ से ऑल ऑर्डर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से रिटर्न के ऊपर क्लिक करूँ तो जितनी भी आपको रिटर्न रिसीव हुई होंगी तो आपको यहाँ से सारी रिटर्न देखने को मिल जाएंगी। आज हम देखेंगे कि जी ये वाला बायर है, इन्होंने हमसे एक रिटर्न की जो है वो रिक्वेस्ट की है कि जी मुझे आइटम मेरी आइटम डिफेक्टिव निकली है और वर्क नहीं कर रही। यहाँ से दो चीज़ें नोट कर लें, अगर तो आइटम डिफेक्टिव हो और आइटम फिट ना हो तो ईबे ऑटोमेटिकली आपकी जो रिटर्न है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, नंबर वन ये चीज़ हो गया। नंबर टू, ईबे जो है वो लेबल भी आपसे चार्ज करता है, लेबल भी ऑटोमेटिकली कस्टमर को जो है वो सेंड कर देता है। यहाँ से अगर मैं आपको लेबल दिखा दूँ कि ये इस आइटम के अगेंस्ट जो कस्टमर ने क्लेम किया है, ईबे ने खुद ही लेबल जो है वो डाउनलोड किया हमारे से, चार्ज हमें कर दिया, और लेबल डाउनलोड करने के बाद उसने कस्टमर को ईमेल कर दिया कि जी ये आपका लेबल है, ठीक है, इस लेबल को लें और इस लेबल के ऊपर जो रिटर्न एड्रेस लिखा हुआ उसके ऊपर आप अपनी रिटर्न जो है वो सेंड कर दें कस्टमर को। मतलब यहाँ पे हमने अपनी अगर बिजनेस पॉलिसीज के ऊपर आए, जब मैं अपनी बिजनेस पॉलिसीज के ऊपर आऊँ तो या मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ कि जी मैं 30 डेज की रिटर्न जो है वो लेता हूँ और उसके बाद हमेशा जो रिटर्न का जो पोस्टेज लेबल होगा, जो लेबल होगा उसकी कॉस्ट जो होगी वो बायर पे करेगा। यहाँ तो मैंने किया होता ना सेलर पे करे तो फिर मैं इस चीज के लिए एग्री करता हूँ कि जी यहाँ मेरी मिस्टेक थी, मैंने खुद फ्री रिटर्न ऑफर की हुई थी, लेकिन मैंने तो यहाँ पे बायर किया हुआ है, इसके बावजूद भी ये मेरा लेबल जो है क्यों मतलब मुझे इसका वो जो क्रेडिट देना पड़ रहा है। तो ये ईबे की कुछ पॉलिसीज हैं जिनके थ्रू ईबे हमसे चार्ज कर लेता है। फॉर एग्जांपल कोई रीजन होती है कि आइटम नॉट फिट की होगी, आइटम नॉट वर्क की होगी या डिफेक्टिव आइटम की होगी, तो वो ईबे ज्यादा नहीं लेकिन 100 में से एक या दो ऐसे केसेस होते हैं जो ईबे ऑटोमेटिकली उनको जो है वो लेबल जो है वो प्रोवाइड कर देता है। ये वाला थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने इसको कैसे हैंडल करना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमने इसको कैसे हैंडल करना है। पर कोई जनरल हमें रिटर्न आती है, कस्टमर ने हमें मैसेज किया है, फॉर एग्जाम्पल उसने हमें कोई केस ओपन नहीं किया रिटर्न का, उसने सिंपल मैसेजेस के ऊपर आके हमें एक मैसेज कर दिया कि जी ये आइटम मुझे पसंद नहीं आई या ये डैमेज है तो मैं इसको जो है वो रिटर्न करना चाह रहा हूँ, तो सिंपल आपने सबसे पहले उसको एक मैसेज फॉरवर्ड कर देना है। अगर उसको आइटम डैमेज गई है तो सबसे पहले आपने उनको ये कहना है कि जी आप अपनी जो प्रोडक्ट की इमेजेस हैं वो एक हमें सेंड करें और उसके ऊपर एक लेबल लगा होगा, उस लेबल की इमेज आप मेरे साथ शेयर करें ताकि हम अपनी पैकेजिंग टीम को वो जो इमेजेस हैं वो दिखा सकें, फिर आपके इस केस को इवेलुएट करके आपको जो बेस्ट रेजोल्यूशन है वो प्रोवाइड कर सकें। तो यूके यूएस के ट्रेडिशनल लोग होते हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि जी हम तस्वीर लें और 2-3 दिन लग जाएंगे तस्वीर लेके सेंड करने में, ये हमारी सेलर के साथ कम्युनिकेशन होगी, उसके बाद ये अपनी पैकेजिंग टीम को सेंड करेंगे, पैकेजिंग टीम फिर देखेगी क्या रेजोल्यूशन दे रहा है, तो फिर वो मतलब 100% चांसेस होते हैं कि वो रिटर्न मतलब वहीं खत्म कर देते हैं, वो नहीं करते कि मतलब ठीक है यार ये आइटम आ गया इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं अब नेक्स्ट टाइम, ठीक। ये हो गया वो केस के कस्टमर ने जस्ट मैसेज ओपन किया, कोई केस ओपन नहीं किया, रिटर्न का केस ओपन नहीं किया इस केस में। अब अगर हम नेक्स्ट केस की बात कर लें कि अगर कोई कस्टमर आया और ईबे के ऊपर आने के बाद उसने जो है वो केस ओपन कर दिया कि जी मुझे आइटम मिसिंग मिली है, रॉन्ग मिली है, या मुझे आइटम जो है वो मतलब मैंने ऑर्डर कुछ करवाई थी और आपने सेंड मुझे कुछ कर दिया है, रिटर्न ओपन कर दी है, तो आपने फिर यहाँ मैसेजेस के ऊपर आना है, यही मैसेज आपने उनको फॉरवर्ड कर देना है कि जी हमने अपनी तरफ से फुल ट्राई की है कि आपको जो है वो क्विक डिलीवरी प्रोवाइड की जाए लेकिन आपको जो है वो आइटम ठीक नहीं गई। फिर
फिर आपने इस केस में उनको मैसेज करना है कि जी आपको आइटम जो है वो रॉन्ग चले गई है या डैमेज चले गई है, हम आपको जो है वो 20% या 30% या इवन के 50% पार्शियल रिफंड करते हैं अगर आप इस आइटम को रखना चाहें और आप जो है इसकी रिटर्न की हैजल से बचना चाह रहे हैं तो आप हमारी ये ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लें। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी चीज भी हमें मिल गई है और हमें इसका कुछ जो है वो परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट पार्शियल रिफंड भी हमें मिल गया है, तो चलो हम रिटर्न की हैजल से बच जाते हैं कि हम जाएंगे फिर जो रॉयल मेल का कोई भी पिकअप शॉप है उसके ऊपर जाएंगे उनको फिर रिटर्न लेबल देंगे, तो मतलब ये एक हैजल होती है रिटर्न की, तो मतलब नहीं इतना वो नहीं करते, तो वो आपका जो रिफंड होता है जो आपने ऑफर करवाई होती है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये तकरीबन 50% चांसेस होते हैं लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और 50% चांसेस होते हैं कि लोग एक्सेप्ट नहीं करते। जो रिटर्न का मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है उसके ऊपर आ जाते हैं कि जी एक ऐसी रिटर्न जो कि कस्टमर ने ओपन की है हमारे साथ, ये एक्सप्लेन किया है कि जी आइटम जो है वो डिफेक्टिव है और वर्क नहीं कर रही और उसके बाद ईबे ने ऑटोमेटिकली जो लेबल है वो भी प्रोवाइड कर दिया है, लेबल प्रोवाइड करने के बाद कस्टमर ने जो है वो आइटम भी जो यहाँ से आप देख लें सेंड भी कर दी है, तो मतलब ये तो हम तो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, हम स्टॉक आइटम सेल नहीं कर रहे। अगर तो हम स्टॉक आइटम सेल कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, ये आइटम हमारे पास आ जाएगी तो कोई इशू नहीं है, वेल एंड गुड, हम इसको रिसीव करेंगे, हम आइटम को देखेंगे, रीसेलेबल होगी फुली रिफंड करेंगे, अगर रीसेलेबल नहीं होगी तो हम भाई इसको पार्शियल रिफंड करेंगे, भाई इसकी पैकेजिंग डैमेज है, इसमें मिसिंग आइटम है, इसका जो ओवरऑल इसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो हम आपको जो है इसके मुताबिक रिफंड करेंगे। लेकिन यार हम तो यहाँ पे कर ही ड्रॉप शिपिंग रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग का मकसद ये है कि ये वाले मैं अगर अपने अकाउंट सेटिंग के ऊपर आऊँ, यहाँ से आप देखें ये मेरे सारे एड्रेसेस हैं, मेरा जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस है वो ये वाला है, डिलीवरी एड्रेस मैंने नहीं ऐड किया हुआ, डिस्पैचिंग एड्रेस मैंने नहीं ऐड किया हुआ, रिटर्न एड्रेस मैंने नहीं ऐड किया, जो मेरा रजिस्ट्रेशन एड्रेस है ठीक है वही उसने डिलीवरी एड्रेस लिया हुआ है बाय डिफॉल्ट, वही उसने डिस्पैचिंग एड्रेस लिया हुआ है, वही उसने रिटर्न एड्रेस लिया हुआ, क्योंकि हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग हम या तो वॉलमार्ट से कर रहे हैं, वॉलमार्ट टू ईबे कर रहे हैं, अमेजोन टू ईबे कर रहे हैं, या कॉस्टको या सैम्स क्लब, हम यार इतने एड्रेसेस कहाँ से लेके आए। जैसे ही ये वाली रिटर्न ओपन होगी आपके सामने, ये वाली रिटर्न आपको आ गई, आने के बाद एक प्रीपेड लेबल भी चार्ज आपको हो गया, उसके बाद होगा क्या, ये वाली जो रिटर्न इसने सेंड कर दी है ये वाली रिटर्न आपके एड्रेस के ऊपर आ जाएगी, जब ये आपके एड्रेस के ऊपर आ जाएगी तो ये थोड़ा सा इशू करेगी आपको, फॉर एग्जाम्पल ये आपको इशू करेगी तो आप फिर ये क्या करेंगे, आप अपने सप्लायर को मैसेज करेंगे कि जी आप हमें जो है एक रिटर्न लेबल दें अपने उस एड्रेस का, मैं आइटम जो है वो रिटर्न करना चाह रहा हूँ, फिर वो सप्लायर आपको एक रिटर्न एड्रेस देगा, फिर वो रिटर्न एड्रेस जो है आप अपनी जो आइटम आपके घर आई होगी, फिर आप जो भी आपके वहां पे रिलेटिव्स होंगे या आपका कोई भी जो कंपनी का जो सर्विसेज प्रोवाइडर होगा उसको आप देंगे, वो पिक एंड पैक करेगा आपकी चीज को, फिर वो आपका जो सप्लायर होगा उसको सेंड करेगा, ये काफी टाइम टेकिंग चीज है, तो सिंपल जैसे ही ये वाला आपको इशू रिसीव हो जो कि ईबे की तरफ से एक लेबल उसको चला जाए, तो आपने ऑन द स्पॉट इस कस्टमर को मैसेज कर देना है ये वाला जो आपको लेबल गया है आप इसको इग्नोर कर दें, हम आपको एक नया जो लेबल है जहाँ पे रिटर्न एड्रेस हमारा मेंशन है आप उसके ऊपर हमें जो है इस आइटम को डिस्पैच करें, उसके ऊपर पोस्ट कर दें, क्योंकि जो पुराना लेबल है उसके ऊपर हमारा पुराना एड्रेस है और हम उस एड्रेस के ऊपर अवेलेबल नहीं है। मैं यहाँ से थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, जैसे ही इस तरह की कोई रिटर्न आपको रिसीव होगी जो कि बायर ऑटोमेटिकली लेबल आपसे ही ले लेगा, तो आपने सिंपल अपने उस सप्लायर के पास जाना है, उसको मैसेज करना है कि जी ये आइटम मैं रिटर्न करना चाह रहा हूँ, मुझे आप प्रीपेड लेबल दें, लेबल उससे लेने के बाद आपने कस्टमर के पास आना, कस्टमर को आपने वो वाला जो आपने सप्लायर से लेबल लिया होगा वो आपने सेंड करना है और उसको ये मैसेज करना है कि जो लेबल आपको ईबे ने प्रोवाइड किया है आप उसके ऊपर आइटम सेंड ना करें, उसके ऊपर रिटर्न ना करें, क्योंकि वो उस एड्रेस के ऊपर हम अवेलेबल नहीं है, हमने जो न्यू आपको एक लेबल सेंड किया है आप उसके ऊपर आइटम जो है वो रिटर्न पोस्ट करें ताकि हम आपको आपकी आइटम के अगेंस्ट जो अमाउंट है उसको जो है वो रिफंड कर सकें, तो कस्टमर जो है वो आपका जो नया आपने लेबल प्रोवाइड किया होगा उसके मुताबिक फिर वो आपको जो है वो सेंड कर देगा,
उसके बाद अगर मैं यहाँ पे अपने दूसरे मैसेजेस की तरफ आता हूँ, फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर आपने कैंसिल करना है और आपके पास वो आउट ऑफ स्टॉक है, तो उसको आपने कैसे जो है वो ऑर्डर कैंसिल करना है ताकि वो डिफेक्ट रेट के अंदर भी ऐड ना हो और कस्टमर जो है वो हैप्पीली आपका ऑर्डर भी जो है वो कैंसिल करने की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले। तो आपने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट इस तरह से करनी है कि जी हमारे पास ये जो आपने ऑर्डर हमसे परचेज किया है, हमारे पास जस्ट एक इसका यूनिट अवेलेबल है और जैसे ही हमने अपनी पैकेजिंग टीम को आपके ऑर्डर की डिटेल सेंड की है तो हमारी पैकेजिंग टीम ने देखा है कि जी ये एक यूनिट पड़ा हुआ है और एक हमारे पास डैमेज है, डिफेक्टिव है, और हम जो है आपको डिफेक्टिव आइटम नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे। अब आप बताएं कि हमारे पास सेम आइटम के डिफरेंट जो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस अवेलेबल है, साइज अवेलेबल है, कलर अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो हम आपको इसी आइटम का साइज कोई नया भेज दें या आपको कोई कलर नया भेज दें। अगर आप कहते हो कि भेज दें तो हम वो असेंड कर देते हैं। अगर आप कहते हो कि जी नहीं मुझे मेरी अमाउंट रिफंड कर दें या ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो इस केस में जो हमारा बायर है, हमारी उनके साथ कम्युनिकेशन हो गई है, वो एग्री हो चुका है, उसने रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है कि जी या मुझे भेज दें ना कोई नई अल्टरनेटिव आइटम या मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, तो ईबे देखेगा कि इनके आपस में कम्युनिकेशन होगी। तो जैसे ही आप ऑर्डर कैंसिल करेंगे तो वो डिफेक्ट रेट आपके जो है वो ट्रांजैक्शंस डिफेक्ट रेट के अंदर काउंट नहीं होगा। ड्रॉप शिपिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपकी कस्टमर सपोर्ट है। अगर आपकी कस्टमर सपोर्ट एक हाई लेवल अच्छी कस्टमर सपोर्ट है तो यकीन करें आप 100% सक्सेसफुली ईबे के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अगर आपकी जो कस्टमर सपोर्ट है वो इतनी परफेक्ट नहीं है, वो इतनी हाई लेवल की नहीं है, तो आप कभी भी रिलाई नहीं कर सकते, कभी भी अपने जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है वो सक्सेसफुली ईबे के ऊपर नहीं लेके जा सकते। आपकी कस्टमर सपोर्ट ही आपका जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है वो उसको लॉन्ग टर्म लेके चलेगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।